नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम एक और बेहतरीन शेयर के बारे में बात करेंगे जिसमें एक जबरदस्त तेजी देखने मिला है। दोस्तों ये शेयर नहीं, एक रॉकेट है। रॉकेट की तेजी से इस स्टॉक में गजब की तेजी देखने मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, हर मतलब टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी है। तो इस स्टॉक में आप जरूर इन्वेस्ट करें, कभी भी गिरावट में मिलता है। तो दोस्तों ये स्टॉक है एल्काइल एमीन्स। देखिए ये डेली चार्ट है, देखिए स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। देखिए हम इसका चार्ट को जो है और छोटा करते हैं। देखिए यहाँ से चार्ट आप पीछे चलते जाइए, कभी भी ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में गया ही नहीं है, लगातार आपको ये अप ट्रेंड में दिखेगा। देखिए ये स्टॉक, देखिए ये स्टॉक जो है यहाँ पर देखिए 2018 में ये स्टॉक मात्र 200 रुपीज का हुआ करता था, और यहाँ पर देखिए 2020 में ये स्टॉक गिर करके आया था 500 तक, और अभी चल रहा है 4000 तक। तो ये स्टॉक का जो ट्रेंड है वो काफ़ी बुलिश है। इसमें आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन से भी ये स्टॉक लगातार ऊपर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन, इसको हम मिलाते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन से भी काफ़ी ऊपर, और जो ट्रेंड लाइन का स्लोप है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से आप दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसका स्लोप, तो ये पहले स्लोप था 30, अब जा रहा है स्टॉक यहाँ पर 45 पे। अब तो ये स्टॉक डायरेक्ट लग रहा है 90 डिग्री पे चल रहा है ये स्टॉक। देखिए 90 डिग्री पर जब ये स्टॉक चल रहा है तो इसके यहाँ से गिरने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गिरने की एक वजह हो सकती है। तो अभी जो स्टॉक है स्प्लिट हुआ है, स्टॉक स्प्लिट होने से प्राइस नीचे आ गया है। लेकिन जैसे स्प्लिट वाले जो शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें तो उसमें गिरावट हो, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी होता है मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड होंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि स्प्लिट होने से जो शेयर है वो 2.5 गुना हो चुके हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 2.5 गुना हो चुके हैं। तो उसी रेशियो में प्राइस यहाँ पर कम किया गया है। तो यहाँ पर जैसे प्राइस कम किया गया है तो प्राइस भी कम है, नंबर ऑफ शेयर्स भी अधिक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शेयर बाय वॉल्यूम बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, तो यहाँ से करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। तो अभी आप इस तेजी में जब तक जो स्प्लिट वाले शेयर है क्रेडिट नहीं हुए हैं डीमैट अकाउंट में, तब तक हो सकता है इसमें तेजी बनी रहे, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो गया, साथ साथ शेयर का प्राइस कम हो गया है, तो इसमें लगातार तेजी बनी रह सकती है। और ये 90 डिग्री पर चल रहा है तो उसी तेजी में मतलब उसी तेजी के साथ नीचे भी गिर सकता है, तो ये भी याद रखिए, क्योंकि ये यहाँ पर लगभग देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है 80 डिग्री से ऊपर का, तो स्लोप काफ़ी ज़्यादा है इसके स्टॉक की तेजी का, तो उसी तेजी के साथ नीचे गिर सकता है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी ज़बरदस्त है और ये स्टॉक इतना बुलिश है कि किसी भी गिरावट में खरीदा जा सकता है। एक किसी भी गिरावट में खरीदते हैं तो लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, क्योंकि स्टॉक जो है जितनी तेजी से चलता है उस स्टॉक में उतना गिरावट भी उतनी तेजी से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक करेक्शन आया था तो ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को बनाया था और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर आप इसको खरीद सकते थे। फिर यहाँ पर देखिए करेक्शन आया तो यहाँ पर जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक आया खरीद सकते थे। फिर यहाँ पर भी देखिए कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ, अभी जो प्राइस है हाई लेवल पर, यहाँ पर भी देखिए ये कंसोलिडेट हो रहा था, तो जैसे यहाँ से कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से मोमेंटम दिखाया, देखिए यहाँ पर मोमेंटम दिखाया, अगले दिन यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल छोटा सा बनाया, जैसे ये ग्रीन कैंडल छोटा सा बनाया था अगले दिन आप ओपन होते ही इसको खरीद सकते थे। अगर ये आपके उसी दिन ऊपर एवं चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो आप इसको रख सकते थे, अदरवाइज यहाँ से छोटे से लॉस के साथ आप एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि स्टॉक जो है 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो उसी तेजी के साथ नीचे भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा मूव कर गया तो उसमें डर बना रहता है कि कहीं स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर ना जाए, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो एल्काइल एमीन्स फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका मार्केट कैप 19,000 करोड़ का है और इसका जो अभी करेंट प्राइस है वो तो आपने देख लिया, लगभग 4,000 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त है, 42% का रिटर्न कैपिटल इम्प्लाइड, ये देखिए कैपिटल 41%, इतना बेहतरीन रिटर्न है। देखिए पहले फेस वैल्यू 5 था, अब फेस वैल्यू 2 हो गया, यही फेस वैल्यू डिक्रीज होने के कारण स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हुआ है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.20% है, तो डिविडेंड यील्ड एक अच्छा खासा है। वहीं कंपनी प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात करें 74.1% है, तो लगभग मैक्सिमम होल्डिंग 75 के इक्वल है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर स्टेक काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी का प्रॉफिट देखिएगा तो एनुअल प्रॉफिट 59% से इंक्रीज हुआ है, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट में इंक्रीज है जो कि शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जबकि नेट प्रॉफिट कंपनी का 252 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है, वहीं रिजर्व कंपनी के पास 624 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर जो डेट है 34 करोड़ का,
और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा वो जीरो है, मतलब कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है और कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कुछ खास डेट नहीं है। वही कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, लगभग कांस्टेंट बना हुआ है। तो प्रमोटर्स का बिहेवियर जो है कंपनी में वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट रूप से प्रमोटर्स अपना स्टेक होल्ड कर रहा है। वहीं बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी का बैलेंस शीट जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है। देखते हैं 2009 में मात्र 53 करोड़ का था जो कि इंक्रीज होकर के 624 करोड़ का हो चुका है, और शेयर कैपिटल में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। कंपनी जब बोनस शेयर देगी तो शेयर कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद अगला है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस इसमें हम सेल्स को देखते हैं, कंपनी का प्रॉफिट क्या है उसको देखते हैं। तो कंपनी का सेल्स देखिए लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी का अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ का पिछले 12 महीने का जो सेल्स है वो 1095 करोड़ का है। तो पिछले 12 महीने का जो सेल्स है कंपनी का काफ़ी इंक्रीज हुआ है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के जो देने से पहले जो प्रॉफिट है वो देखिए वो भी इंक्रीज हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट कंपनी का देखिए 2009 में मात्र 6 करोड़ का था और वहाँ से इंक्रीज होकर के हो चुका है 252 करोड़ का। तो प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ, एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है प्रॉफिट में, जिसके कारण कंपनी के शेयर के प्राइस में भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिला है। देखिए मात्र 2019 में 84 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होकर के 252 करोड़ का है। तो एक्सपोनेंशियली इस कंपनी का जो प्रॉफिट और सेल्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपको शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों ये था एक बेहतरीन स्टॉक जिसमें आपको गिरावट आए तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। केमिकल सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक है, और अगर आप कुछ मतलब कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। कंपनी की यहाँ पर वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे alkylamines.com, तो आप कंपनी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। देखिए यहाँ पर 100+ प्रोडक्ट बनाती है, बिजनेस इथाइल एमिन्स का ग्लोबल लीडर है ये कंपनी। तो ये सारी चीज़ें आप जो कंपनी की वेबसाइट के बारे में जा करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए alkylamines.com, यहाँ पर आप कंपनी के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, कौन कौन प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, कॉन्टैक्ट सर्विस, कस्टमर केयर, परचेज रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टर और कैरियर साइट मैप। तो इसके बारे में कंपनी के बारे में यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जैसे कंपनी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो कंपनी की जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको कंपनी के प्रोडक्ट को यहाँ से खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो ये स्टॉक कभी भी गिरावट मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़रूर बाय कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो, और जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको जो स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो मल्टीबैगर स्टॉक्स है, आपको इस चैनल पर देखने मिलेंगे। साथ साथ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से भी वीडियो आगे रिलेटेड मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा।